इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने 5 वाहन चोरों के पास से 30 बाइक बरामद की है। गिरोह का मुख्य सरगना कुछ साल पहले स्विगी में फूड डिलीवरी का काम करता था। इस दौरान उसने कई इलाकों और गाड़ियों की जगह देख ली थी जहां से गाड़ियों को आसानी से चुराया जा सकता था। वहीं गाड़ी चुराने के बाद वो बैंक का सीजिंग अधिकारी बनकर ग्राहक की तलाश करता था। उसके पास एक मास्टर चाबी भी बरामद हुई है जिसकी सहायता से पलक झपकते ही वो गाड़ी चोरी करके भाग जाता था। इस मामले में डीसीपी भदौरिया ने बताया कि आरोपी दीपक भावे निवासी गोमटगिरी कुछ समय पहले एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था। आरोपी की आमदनी कम होने के कारण परिवार का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद उसने गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पूछताछ की गई, पूछताछ पर 8 वाहन जो है उसके पास से जब्त किए गए। मैन आरोपी का नाम है दीपक और उसके जो दीपक चुराता था और इसके अलावा ये बेचता था यासीन को, बसीम, समीर और शेख, ये खंडवा के रहने वाले हैं, इनको ये बेचता था और अभी इससे पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि करीबन 30-35 वाहन और जब्त होने की संभावनाएं हैं।